ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये अब बुरा ना माने। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, अरे डॉट क्यों आई, ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप खुद बोलोगे वाह 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 क्या बात है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो आप क्या करो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सा, एक तो हो जाएगा अपना सेंट्रल, एक तो हो जाएगा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, और एक सेंट्रल होगा तो दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल होगा। दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल। अरे 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 ना, जानबूझ के की थी, जानबूझ के की थी, जानबूझ के। दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इसके घर के नाम से कैसे बुला देते हैं, CNS बुला देते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का घर का नाम क्या है, PNS, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। अब क्या है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या अपने पास आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने पास क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, ब्रेन यानी जो कि अपने पास है ही नहीं, ब्रेन आता है, और क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है, नहीं आती है, स्पाइनल कोड आती है, बेचारी सी है, बेचारी सी, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये फर्दर क्या होता है, दो टाइप का होता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है, कौन सा, सोमैटिक, सोमैटिक, और दूसरा कौन सा, ऑटोनॉमिक, दूसरा कौन सा, ऑटोनॉमिक, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक वाला है वो फर्दर फिर से दो टाइप का होता है, कौन सा, सिंपैथेटिक, कौन सा, सिंपैथेटिक, और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक, दूसरा पैरा सिंपैथेटिक। तो पूरा फ्लो देख लीजिए एक बार, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कर दीजिए, दो पार्ट का होता है, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने पास क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आता है, सोमैटिक, सोमैटिक वाला आ जाएगा, और दूसरा कौन सा, ऑटोनॉमिक आ जाएगा। नाम कैसे पड़ जाएगा, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक हो सकता है या फिर पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक हो सकता है। तो ये फ्लो चार्ट अपना बिल्कुल क्लियर है, इसको दिमाग में फिट कर लो, इसको दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल है, तो ये बॉडी में आखिर काम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाऊंगा। देखो यहां पे अपने पास एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग है, इस इंसान में मतलब इतना दिमाग है कि हद है, मतलब नीट में 720 में से 720 नंबर ये बहुत आसानी से ला सकता है। तो ये यहाँ पे आराम से इस कमरे में बैठा रहता है ना, इसका एसी वेसी लगा हुआ है, आराम से कुर्सी पे ये बस बैठा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गांव के लोग रहते हैं, है ना, ये तो गांव का एक तरीके से मुखिया से भी ऊपर हो गया ना, इतना दिमाग है। और यहाँ पे क्या है, बेचारे गांव के लोग रहते हैं जिनमें कोई अकल ही नहीं है, गांव के बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें कोई अकल ही नहीं है, ठीक है। अब ये इंसान, ये बुद्धिमान इंसान करता क्या है, देखो मान लो गांव के इस इंसान के साथ कोई दिक्कत हो गई, मान लो गांव के इस इंसान के साथ दिक्कत हो गई, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो मूर्ख है ना, दिमाग इसके पास है, सारा इसके पास है। तो ये क्या करेगा, एक वायर के थ्रू, एक तार के थ्रू अपना संदेश भेजेगा कि बुद्धिमान है ना, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये समझदार व्यक्ति, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को तो सब कुछ पता है, तो ये एक तार के थ्रू है ना, ये क्या है, एक तार के थ्रू इसको वापस से क्या भेज देगा, संदेश भेज देगा कि हे मूर्ख व्यक्ति, मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कर और वैसे वैसे कर, ठीक है। तो ऐसा दूसरे इंसान के साथ भी है ना, इस वाले इंसान के साथ भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये भी भाग के किसको बताएगा, इस समझदार व्यक्ति को बताएगा, एक तार के थ्रू अपना संदेश भेज देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर उसको वापस से बता देगा, एक तार के थ्रू संदेश भेज के बता देगा, तू ऐसा ऐसा कर, जो तेरे को दिक्कत है उसमें तुझे ये करना चाहिए। तो इतनी स्टोरी अपने को समझ में आती है, ठीक है। तो जो ये बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये अपना क्या है, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो ये वायरिंग वाला काम है ना, ये तारों वाला काम है, वायरिंग वाला काम है, ये अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और जो ये गांव के लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है, ये क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं। बॉडी के तो कुछ भी ऑर्गन्स हो सकते हैं ना, मसल हो सकती है, कोई और भी ऑर्गन हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे कहानी पूरी समझो, होता क्या है, देखो मान लो मैंने आपके हाथ पे सुई चुभा दी, ठीक है। अब सुई चुभने से क्या होगा, आपका उस ऑर्गन का जहां पे सुई चुभी है, वहां से सिग्नल कहां जाएगा, CNS की तरफ जाएगा, है ना। CNS यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वो बाद की बात है, बस इतना याद रखो, CNS की तरफ क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि भाई मेरे को सुई चुभी है, तो क्या किया जाए, है ना। ये हमने संदेश भेज दिया, किसके थ्रू भेजा, नर्व्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू भेजा, सारी नर्व्स किस में आ रही है, PNS में आ रही है, ये है नर्व्स, बीच में तार, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, भाई सुई चुभी है मतलब तेरे लिए वो खतरनाक है, तो ये वापस सिग्नल भेज के क्या बता देगा, कि वहां से हाथ को हटा लेना चाहिए जहां पे सुई चुभ रही है, ठीक है। तो यही सिस्टम चलता है। अब देखो यहां पे इनका थोड़ा नामकरण कर देते हैं। देखो ऐसी नर्व्स जो ऑर्गन से कहां तक CNS की तरफ आ रही हैं, उनको बोला जाता है अफ्रेंट, उनको बोला जाता है अफ्रेंट, या फिर जो पांचवी छठी क्लास में पढ़ते हैं हम, सेंसरी नर्व्स,
सेंसरी, जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ आएंगी वो होंगी अफरेंट या सेंसरी, और दूसरी वाली जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इफरेंट, वो क्या हो जाएंगी, इफरेंट, या फिर जो पांचवी छठी क्लास में हम करते थे क्या, मोटर या मोटर नर्व। ठीक है, सेंसरी क्या है, सिग्नल लेके आ रही है सीएनएस की तरफ, और मोटर क्या है, सिग्नल लेके जा रही है सीएनएस से दूर ऑर्गन की तरफ। इतनी बातें क्लियर अपने को हो चुकी हैं। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि तूने बोला था पीएनएस में दो टाइप का होता है, कौन सा, एक तो होता है सोमैटिक, एक तो क्या होता है सोमैटिक होता है, और एक होता है ऑटोनॉमिक, एक होता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, और हमने बात की थी कि पीएनएस में सिर्फ क्या आएंगी, अपनी नर्व्स आ रही हैं, ये तारे आ रही हैं, सिर्फ ये तारे आ रही हैं, तो इसकी डिवीजन कैसे करें कि सोमैटिक कौन सा है, ऑटोनॉमिक कौन सा है। देखो, अपनी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कैसे होते हैं, वॉलेंट्री, एक होते हैं इनवॉलेंट्री, एक होते हैं वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, है ना। वॉलेंट्री बॉडी ऑर्गन्स कौन से होंगे, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, मैं उनकी मसल्स को अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकता हूँ, है ना। इनवॉलेंट्री कैसे हो गए, मान लो मेरी डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ है, तो वहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। क्या है, जैसे कि दिल है मेरा, हार्ट है, तो हार्ट में जो मसल है उनके ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसे ऑर्गन जिनके ऊपर मेरी मर्जी चलती है, मेरी मर्जी से होते हैं, वो होंगे वॉलेंट्री, और जिन पर मेरी मर्जी नहीं चलती, अपने आप काम करते हैं, वो होंगे इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब इसके नाम में देखो, ऑटो, ऑटो यानी खुद ब खुद चलेंगे, इनके ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलेंगी, है ना। तो ऐसी वायर्स जो ऑटो यानी खुद ब खुद कौन से ऑर्गन चलेंगे, इनवॉलेंट्री वाले चलेंगे। तो ऐसी वायर्स जो सीएनएस को जोड़ रही हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ, वो आ जाएंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ऑटोमेटिकली क्या है फिर, ऐसी वायर्स, वायरस यानी नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो वॉलेंट्री ऑर्गन को सीएनएस के साथ जोड़ रही हैं, वो किसमें आ जाएंगी, सोमैटिक वाले में आ जाएंगी। बातें खत्म है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में अपने को ये आ रहा है, पूरा गेम क्या चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक न्यूरॉन कैसे बनता है। देखो, न्यूरॉन बनाने की सिंपल सी टेक्निक है, सबसे पहले आप सेल बॉडी बनाया करो, सबसे पहले आप सेल बॉडी बनाया करो। अब ऐसे याद रखा करो कि एक स्ट्रक्चर है ना, एक टाइप की स्ट्रक्चर सेल बॉडी से इधर की साइड निकलेगी, और एक टाइप की स्ट्रक्चर सेल बॉडी से उधर की साइड निकलेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने सेल बॉडी बना ली, और क्या देखा, एक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से इधर की साइड निकलेगी, इधर की साइड निकलेगी, और एक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से उधर की साइड निकाल दो। ठीक है, उधर एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट इधर एक है, उधर एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है ना, होंगी एक ही टाइप की, होंगी एक ही टाइप की, ये पक्का है। ठीक है, अब ये हो गई अपनी सेल बॉडी, और ये जो लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है अपने को, लंबी सी तार, ये हो जाएगा अपना एक्सोन हो जाएगा, और ये क्या है, अपने डेंड्राइट्स हैं, ये अपने क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। क्लियर है, कौन सी चीज़ें हुई न्यूरॉन में, ये कंप्लीट एक न्यूरॉन है, कौन सी चीज़ें हुई, एक्सोन हुआ, ये वाला एक्सोन हुआ, ये ब्लू कलर वाली क्या है, सेल बॉडी है, और ये क्या है, ये क्या है, अपने डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स हैं। अब देखो अरे थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं तो पूरी सेल बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखो, अब इसको सेल बॉडी वाले नाम को मिटा लेते हैं। अब देखिए, सेल बॉडी ये पूरा क्या है, एक सेल है ना, ये पूरा क्या है, एक सेल है, तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, तो सेल के अंदर, ये सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये अपना रेड कलर का न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, और क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, और भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल, इनको क्या बोला जाता है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। और यहाँ मजे की बात एक मैं आपको बता दूं कि नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं, नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं, वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, एक एक बात समझ में आ रही है। अब देखो, एक्सोन पे थोड़ी सी बात अपने को करनी पड़ेगी। एक्सोन पे देखो, एक्सोन पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सोन ऐसे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे कुछ आपको समझना है, ऐसे कुछ आपको समझना है कि ये अपने क्या बन रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल बन रहे हैं, ये अपने क्या बन रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ये अपने बन रहे हैं। ठीक है, अब एक्सोन टर्मिनल जो आखिर में खत्म होंगे ना, वो कहाँ पे होंगे, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक बल्ब से पे खत्म होंगे, और इनको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नोब, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक नोब, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। अब साइनेप्टिक नोब के बारे में हम कैसे फ्लो पकड़ेंगे, इस साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं, साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स,
पूरा फ्लो पकड़ में आ रहा है, पूरा फ्लो पकड़ में आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये पूरा क्या है, एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है, और क्या होता है, एक्सोन होता है, और क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। अब सेल है, देखो ये सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। और क्या है, सेल बॉडी के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल्स जो है वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो एक्सोन है जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म यानी एक्सोन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो जाएंगे एक्सोन टर्मिनल्स हो जाएंगे। अब एक्सोन टर्मिनल्स पे क्या लगे हुए हैं, बल्ब, बल्ब थोड़े प्याज से लगे हुए, प्याज जैसे लगे हुए, जिनको हमने साइनेप्टिक नोब बोला ना, नोब जैसी स्ट्रक्चर लगे हुए। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये अपना क्या बन गया भाई, पूरा क्या बन गया, न्यूरोन बन गया। अपने को बातें समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें थोड़ी मजेदार होने वाली हैं, और एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। और एक यार मच्छर भी काट गया है, ठीक है, मच्छर गोन और टॉपिक कौन। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या देखा कि ये अपने पास सेल बॉडी है ना, और मैंने किस तरीके से बताया था कि सेल बॉडी से एक स्ट्रक्चर इस साइड निकल रही है और एक स्ट्रक्चर इस साइड यानी डेंड्राइट। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिए, सेल बॉडी से जो एक्सोन निकलेगा ना, जो एक्सोन निकलेगा वो हमेशा एक होगा, बट डेंड्राइट जो है वो एक भी हो सकते हैं, डेंड्राइट जो है वो एक भी हो सकते हैं, या फिर अब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर जो निकले ना डेंड्राइट, वो एक भी हो सकता है या फिर अब्सेंट भी हो सकते हैं, या फिर दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक्सोन जो निकलेगा वो हमेशा एक निकलेगा, और डेंड्राइट क्या है, एक भी निकल सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, या दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने क्या है, न्यूरॉन को डिवाइड कर दिया है। देखो मैं यहां पे तीन सेल बॉडी बना लेता हूं, ये अपनी पहली सेल बॉडी, ये अपनी दूसरी सेल बॉडी, ये अपनी तीसरी सेल बॉडी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, कि भाई एक्सोन तो हमेशा एक ही निकलेगा, एक्सोन तो हमेशा एक निकलेगा, एक्सोन तो हमेशा एक निकलेगा, तो तीनों में एक एक एक्सोन तो पक्का निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, देख रहे हो जूम का कमाल, देख रहे हो जूम जूम जूम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, डेंड्राइट जो है वो अब्सेंट भी हो सकते हैं। देखो मान लिया इसमें अब्सेंट है, ठीक है, और क्या है, मैंने क्या बोला था, अब्सेंट भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, एक भी हो सकता है या फिर दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने उस डायग्राम में भी देखे थे कि उनसे इस वाले डायग्राम में दो या उससे ज्यादा, ठीक है, दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब्सेंट है यानी इसका नाम क्या पड़ जाएगा, यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी सेल बॉडी से हमें देखना है सिर्फ एक साइड पोलैरिटी बन रही है, तो इसका नाम हो जाएगा यूनिपोलर। ठीक है, सेल बॉडी से सिर्फ एक साइड पोलैरिटी बन रही है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, अब्सेंट, ये हो गया यूनिपोलर, है ना। और इस टाइप का न्यूरॉन कहां पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हुई हैं, अगर आप मेरे को हल्के में लोगे तो एग्जाम आपको हल्के में भी ले सकता है। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो देखो इसकी पोलैरिटी, देखो एक तो इस साइड बन रही है और एक इस साइड बन रही है, यानी ये थोड़ा सीधा बना लेते हैं, वेक्टर खेल जाएगा अपने पास, ये क्या बन जाएगा अपना बाइपोलर। देखो यहां पे ना अपने को रेड कलर यूज करना था, बताते नहीं हूं, ठीक है, ये बन जाएगा अपना बाइपोलर। और यह कहां प्रेजेंट होता है, यह प्रेजेंट होता है रेटिना कहां पे होती है, अपनी सुंदर नेत्र चक्षु आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैसा बन गया, देखो बहुत सारे हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, है ना, बहुत सारे हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट, होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखो जाहिर सी बात है, सेरिब्रम में हमें हर जगह, है ना, बॉडी के हर जगह भेजना है, तो वहां हर जगह से अटैच होने चाहिए, तो ये बन जाएगा अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये कहां होगा अपना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, समझ रहे हो। यूनिपोलर कहां, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, बाइपोलर कहां, रेटिना ऑफ आई में, और मल्टीपोलर कहां, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। यूनिपोलर में क्या था, सेल बॉडी से सिर्फ क्या है, एक्सोन है, एक एक्सोन है, एक्सोन तो हमेशा एक ही होगी, ये हमने बात कर ली। बाइपोलर में एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है। मल्टीपोलर में एक एक्सोन है और दो या उससे ज्यादा डेंड्राइट होंगे। बिल्कुल क्लियर है बातें, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। देखो हमने बात की, ये अपनी सेल बॉडी थी, ये अपनी सेल बॉडी थी, और ये मान लो ऐसे डेंड्राइट निकल रहे हैं, का अपने को काम नहीं है, वैसे इसमें ये डेंड्राइट निकल रहे हैं। ठीक है, और हमने बात की यहां अपना क्या होता है, एक्सोन होता है, यहां अपना क्या होता है, एक्सोन होता है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी में दी हुई है, पर जो अभी तक हमने किया उसके हिसाब से एक्स्ट्रा। देखो एक्सोन पे क्या होता है, श्वान सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सोन पे क्या होता है, एक ही साइड बना लेते हैं, है ना, वो वाली साइड बुरा मान जाएगी। एक्सोन पे क्या होता है, ये क्या है, श्वान सेल है। थोड़ा जीब को पटक के बोलना है, श्वान, नॉट शेजवान। ठीक है, तो ये है श्वान सेल, जो मैंने ब्लू कलर में यहां पे दिखाई है आपको। अब देखो अपने पास जो न्यूरॉन है ना, वो दो टाइप के आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे माइलिनेटेड, एक तो बनाएंगे क्या, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो बनाएंगे, और एक होंगे नॉन माइलिनेटेड,
नॉन माइलीनेटेड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है वो यहां पे अपने को समझना है। देखो माइलीनेटेड, देखो नॉन माइलीनेटेड तो ये वाला है अपना जो दिख रहा है, नॉन माइलीनेटेड ये वाला है अपना दिख रहा है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो श्वान सेल है अपनी, जो श्वान सेल है अपनी वो माइलिन शीथ जो है, वो माइलिन शीथ है नहीं बनाती हैं। जाहिर सी बात है नाम में यार है माइलिनेटेड, मतलब माइलिन शीथ उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। नॉन माइलिनेटेड मतलब उसमें माइलिन शीथ अब्सेंट है। तो श्वान सेल का काम क्या होता है, यहाँ पे श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। तो नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ अब्सेंट है, मतलब श्वान सेल ने माइलिन शीथ को नहीं बनाया है। जबकि माइलिनेटेड में बात करें तो श्वान सेल ने कमाल करके दिखा दिया, इसने माइलिन शीथ को बना डाला। माइलिन शीथ पे ऐसे राइट राइट इधर क्रॉस था ना, इधर राइट कर देते हैं, माइलिन शीत को बना दिया। माइलिन शीत को कैसे बनाया उसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं हम। देखो इसने मान लो ऐसे माइलिन शीत को, ये चित्रकारी में मैं फंस जाता हूँ, इसने ऐसे देखो ये माइलिन शीत को बना दिया, यहाँ पे भी ऐसे माइलिन शीत बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे माइलिन शीत बना देते हैं, यहाँ पे एक और श्वान सेल बना देते हैं अपना क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे थोड़ी लंबी बना देते हैं माइलिन शीत, और यहाँ पे भी इसने बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया है, ये अपनी क्या है, माइलिन शीत है, ये अपनी क्या है, माइलिन माइलीन शीत है। किसने बनाई है, श्वान सेल ने बनाई है, बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। ये अपनी क्या है, श्वान सेल है, ये अपनी क्या है, श्वान सेल है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट देखो, यहाँ देखो, देखो जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है ना, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। अब ये गैप में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये गैप क्या है, जहाँ पे छोटा सा एरिया है जहाँ पे माइलिन शीत जो है अब्सेंट है, ठीक है, जहाँ पे माइलिन शीत अब्सेंट है और यहाँ पे जो एक्सोन है ये एक्सपोज हो रहा है, समझ रहे हो आप, माइलिन शीत के बीच में ये जो गैप है छोटा छोटा, यहाँ पे एक्सोन अपना एक्सपोज हो रहा है, और इस गैप को, इसको है ना, या सिंपली बोल सकते हैं माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, रेनडियर नहीं, रेनवियर, रेनडियर तो वो होता है ना बर्फ में भागता है, कौन सी मूवी में था वो थी ना एक, वो पहुंच जाते हैं वहां, अलमारी का दरवाजा खुलता है एकदम बर्फ बर्फ सी आ जाती है, कौन सी अलमारी थी बताना कमेंट में मेरे को, कौन सी अलमारी नहीं थी, कौन सी फिल्म थी, अच्छा जिसमें शेर होता है, वो शेर वो जिंदा हो जाता है मर के, वो सब होता है उसमें, ठीक है मूवी की बात नहीं कर रहे। तो ये हो गया, क्लियर हो गया है ना, माइलिनेटेड क्लियर है, नॉन माइलिनेटेड क्लियर है, ठीक है। अब देखो इनके और भी फर्क आएंगे, जैसे कि माइलिनेटेड जो है ना वो माइलिन शीथ की वजह से, माइलिन शीथ की वजह से कैसे कलर का दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का, और इसमें माइलिनेटेड शीथ नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो ये ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और क्या पॉइंट हो जाएगा, देखो माइलिन शीथ प्रेजेंट है तभी तो नोड ऑफ रेनवियर बने हैं, तभी तो गैप बना है, तो इसमें नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, नोड ऑफ रेनवियर बनने का सवाल ही नहीं उठता, इसमें अब्सेंट है, ये भी बात हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्सोन अपना कवर्ड है माइलिन शीथ से, इसमें एक्सोन अपना कवर्ड है माइलिन शीथ से, तो जाहिर सी बात है जो कंडक्शन होगी वो अच्छी होगी, फास्ट होगी, वो अच्छी होगी, फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक वैसे रफ एग्जांपल दे देता हूं, मान लो किसी पाइप से गर्म पानी जाना है ना, गर्म पानी जाना है, और उस पाइप को आपने आपने नहीं देखा होगा शायद, हॉस्टल में होता है, जैसे हमारे हॉस्टल में है जो गर्म पानी वाला आता है ना सोलर वाला, तो उस गर्म पानी वाली पाइप को है ना ऐसे एक फोम से ऐसे पूरा लपेट के उसको इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसको इंसुलेट कर देंगे लपेट के, मतलब वो एफिशिएंसी रहेगी, वहां पे गर्म पानी सही जाएगा, और उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे है ना ठंड के अंदर, उसको खुला छोड़ देंगे तो पानी, गर्म पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जो कंडक्शन होती है वो फास्ट होती है, कंडक्शन जो होती है इसमें फास्ट होती है, क्यों, माइलिनेटेड शीट ने वो काम कर दिया है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, और इसमें कंडक्शन जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, यही डिफरेंस है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ना। माइलिनेटेड में माइलिन शीत प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है, कलर कैसा है, व्हाइट है, इनका कलर ग्रे है ना। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है, ठीक है, कंडक्शन इसमें फास्ट है, इसमें स्लो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी एन एस यानी सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये अपने सी एन एस में भी हो सकते हैं, और पी एन एस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपना न्यूरोन था जो कि हम देख चुके हैं क्या है, सेल बॉडी देख चुके हैं, डेंड्राइट्स देख चुके हैं, एक्सोन देख चुके हैं, ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल देख चुके हैं, नीजल ग्रेन्यूल डेंड्राइट में भी होते हैं, ये भी देख चुके हैं हम, ठीक है, साइनेप्टिक साइनेप्टिक नोब देख चुके हैं, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल थे, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर थे, देख चुके हैं, एक्सोन माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड ये भी हम देख चुके हैं, न्यूरॉन भी हम देख चुके हैं, मल्टीपोलर बायपोलर यूनिपोलर कहां-कहां पे होता है ये भी हम देख चुके हैं। अब देखो ये जो है ना ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये जो है मुझे पर्सनल ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इस चैप्टर में न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, गैंग्लिया किसको बोलते हैं,
बोलते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं, नर्व किसको बोलते हैं। देखो तो अपने को तीन चीजें देखी थी अपने, है ना, सेल बॉडी होती है, ये एक्सोन होता है और ये डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी जो है, ये जो सेल बॉडी है, अगर ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको गैंग्लिया बोला जाता है। कंफ्यूजन क्लियर है? अब देखो नर्व फाइबर जो होता है, नर्व फाइबर जो होता है वो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको ट्रैक बोला जाता है, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको नर्व बोला जाता है, उसको नर्व बोला जाता है। ठीक है, अब साइनेप्स की बात कर रहे हैं। साइनेप्स दो टाइप के होंगे अपने पास, एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होगा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होगा, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो बहुत पास हैं, वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, केमिकल वाले में क्या है, सेपरेटेड है, उनमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इस पे आप कितने सितारे बोलूं, इस पे 500 सितारे हम लगा लेंगे, 500 सितारे कि नर्व इंपल्स की कंडक्शन कैसे होती है, नर्व इंपल्स की कंडक्शन कैसे होती है। ठीक है, और ये टॉपिक है ना बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि असल में इसमें कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आता, सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर ना, और ऐसे ऐसे वर्ड, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ना, डीपोलराइजेशन कब हुई, कब कौन अंदर बाहर गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी हमने एक बात की एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत ही जरूरी टॉपिक है और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से पकड़ लेना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी तक हमने कैसे किया था, ये अपनी सेल बॉडी होती है, ये अपनी सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से इधर क्या निकला है, ये अपना एक्सोन निकला हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है, ये डेंड्राइट निकलते हैं, ये डेंड्राइट निकलते हैं। ठीक है, तो अब करते क्या है, हम क्या करते हैं, इस एक्सोन को उठा लेते हैं, इस एक्सोन को उठा लेते हैं और क्या है, इसको जूम करके देखते हैं। तो ये अपना एक्सोन है, ये अपना एक्सोन है। ठीक है, ये हमने बना लिया एक्सोन बना लिया, और ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एक्सोनल मेम्ब्रेन को दिखाने के लिए इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं तीन स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं तीन स्पेस बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर तक करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन स्पेस बना लिए। अब तीन स्पेस में देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके से पकड़ना मजा आ जाएगा। तीन स्पेस में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। पहली चीज क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे है पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे स्पेस में क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहां पे होगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो हमने एक्सोनल मेम्ब्रेन में तीन चीजें देखी, एक होंगे सोडियम पोटेशियम पंप, एक होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और एक होंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इनके ओपन क्लोज की बात कर लेते हैं। देखो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है मोस्टली, देखो जब इसकी जरूरत होगी तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जब जरूरत होगी ओपन हो जाएगा, वरना ये क्लोज रहेगा, ये बात हमने कर ली। ठीक है, बिल्कुल बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए होता क्या है, बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, तीन सोडियम बाहर होते हैं, एक दो तीन, तीन सोडियम बाहर होते हैं और दो पोटेशियम अंदर होते हैं। ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज यानी आरामदायक स्टेज की बात हो रही है। अब देखो बाहर नेट क्या दिखाई दे रहे हैं अपने को, तीन पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, तीन सोडियम बाहर, दो दो पोटेशियम अंदर। ठीक है, बाहर क्या है नेट, तीन पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, अंदर क्या है नेट, दो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो वैसे रीजन और भी कुछ होता है कि नेगेटिव प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन, बट अपने को इस तरीके से यहां पकड़ना है कि बाहर क्या है नेट, तीन पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्या है नेट, दो पॉजिटिव चार्ज है। तो मेम्ब्रेन से बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा है तो ये वाला जीत गया। ठीक है, इतनी बातें हमने सीख ली, बाहर कैसा हो जाएगा, मेम्ब्रेन से बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव, है ना। ये कब बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये कब बात हो रही है, रेस्टिंग स्टेज में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो बाहर है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है नेगेटिव चार्ज, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या बन चुकी है, एक पोलैरिटी बन चुकी है, क्या बन चुकी है, एक पोलैरिटी बन चुकी है। ये स्टेज कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट होती है। ये स्टेट कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, और इस टाइम जो पोटेंशियल होगा, देखो ये क्या है, इस टाइम जो पोटेंशियल होगा रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये रेस्टिंग स्टेज है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइम पे। जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कुछ भी बोल लो, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट एंड रेस्टिंग पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, इस टाइम की ये बात हो रही है। अब देखो होगा क्या, है ना, और देखो ये जो मेंटेन हो रहा है ना कि तीन सोडियम बाहर हैं, दो पोटेशियम अंदर हैं, तो ये किससे मेंटेन हो रहा है, इससे, सोडियम पोटेशियम पंप से, जो कि हमेशा खुला है, हमेशा ओपन है, ये इससे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो यहां पे स्टिमुलस आया, मान लो यहां पे क्या आया,
स्टिमुलस आया। अब स्टिमुलस से क्या होगा, स्टिमुलस से क्या होगा, जो ये अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये खुल जाएंगे, ये खुल जाएंगे। अब सोडियम के लिए चैनल हैं तो इनसे मूवमेंट जो हो सकती है वो सिर्फ सोडियम की हो सकती है, तो सोडियम क्या होगा भाई साहब, सोडियम जो है अंदर आ जाएंगे, है ना। तो सोडियम अंदर आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लो दो सोडियम अंदर आ गए, दो सोडियम यहां से अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब एक मजे की बात देखो, अंदर जो नेट चार्ज हो गया है वो क्या हो गया है, चार पॉजिटिव चार्ज अंदर हो गए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज बाहर रह गया है। तो ये चीजें हैं, यहां बदलाव अपने को दिखाई देगा, अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव, अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और जिस चीज को हमने पोलराइज बोला था अब वो क्या हो चुकी है, डीपोलराइज हो चुकी है। जिस चीज को हमने पोलराइज बोला था वो डीपोलराइज हो चुकी है, और अब जो रेस्टिंग पोटेंशियल था कि रेस्ट हो रहा था वो रेस्ट नहीं रहा है, अब वो पोटेंशियल हो गया है एक्शन पोटेंशियल, अब वो पोटेंशियल हो गया है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ये बहुत गड़बड़ी की बात हो गई, कि सोडियम जो है वो अंदर आ गए हैं और अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए बेचारा पोटेशियम भागता है। अब होगा क्या, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, है ना। ये चार्ज वाला जो डिसबैलेंस हुआ है इसको ठीक करने के लिए पोटेशियम बाहर भागेगा, पोटेशियम जो है वो बाहर भागेगा, तो ये पोटेशियम जो है ये बाहर आ जाएंगे, पोटेशियम जो है ये अब बाहर आ जाएंगे, पोटेशियम जो है ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, अब देखो दोबारा से हम जो अपनी नॉर्मल कंडीशन थी दोबारा से उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको मेंटेन करने जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रीपोलराइज, है ना। क्या है, रीपोलराइजेशन हो रही है कि दोबारा से हम नॉर्मल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अपनी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि बाहर नेट क्या आ गए, तीन पॉजिटिव चार्ज आ गए और अंदर नेट क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो चार्ज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट गड़बड़ क्या हो गई, बाहर क्या होने चाहिए थे, तीन सोडियम होने चाहिए थे और अंदर दो पोटेशियम होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए फिर से कौन काम करेगा, अपना सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। इससे क्या है, सोडियम अपने बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम बेचारे अपने अंदर आ जाएंगे। तो जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी कि तीन सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर, वही अपनी मेंटेन हो जाएगी। अब देखिए मेरे टूटे फूटे दोस्तों, कच्चे पक्के क्यों बोला, क्योंकि पक्के तो हम तब हो गए ना जब आपका एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा, फिर आप मेरे को मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कर देना, मेल कर देना, पार्टी के लिए तो तैयार रहता हूं। आप फिर बोलोगे कि मेरा एडमिशन हो गया है, बताओ भाई पार्टी किधर चाहिए और कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पे मैं आपका शातिर दिमाग बनाने जा रहा हूं, ये आपका शातिर दिमाग है और यहां आपके क्या है, मजबूत हाथ है, ये आपका मजबूत सा हाथ बना देता हूं, ये आपका मजबूत हाथ है। अब हमें पता है हाथ है तो यहाँ पे क्या होंगी, मसल्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये बाइसेप है तो यहाँ पे बाइसेप वाली मसल होंगी, ये क्या है, अपनी मसल है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, अपनी मसल है। अब देखिए होता क्या है, मान लो आपको पढ़ाई करनी है तो आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको क्या है, पेंसिल पेन पकड़ के हाथ को चलाना पड़ेगा। तो आपका शातिर दिमाग बोलता है कि गधे मूर्ख इंसान, नीट का एग्जाम आ रहा है तो थोड़ी पढ़ाई कर ले, यानी इस हाथ को हिला ले, है ना। तो ऐसे तो ये भेज नहीं सकता कि वहां से जोर जोर से चिल्ला के बोल देगा या इसको फोन करके बोल देगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो होगा क्या, देखो अभी हमने देखा था कि क्या होता है, सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन बनाने जा रहा हूं मैं, सेल बॉडी होती है और सेल बॉडी से क्या है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे अपने को चीजें पकड़ में आ जाएंगी। और क्या होता है अपने पास, डेंड्राइट होता है, एक रफ डायग्राम है, ठीक है। और क्या होता है अपने पास, डेंड्राइट होता है, और क्या होता है अपने पास, एक्सोन होता है, और अपने पास क्या होता है, ये एक्सोन होता है, ये हमने क्या देखा था, न्यूरॉन ये देखा था, ठीक है। अब एक्सोन पे हमने बात की थी, देखो यहां पे ये मैं मसल बना रहा हूं, ये मसल है, मान लो ये ब्लू कलर वाली पूरी मसल है, जहां भी ब्लू कलर है मतलब मसल स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही बात चल रही है, ठीक है। अब हमने एक्सोन पे क्या देखे थे कि यहां पे एक्सोन खत्म हो गया, फिर क्या थे, एक्सोन टर्मिनल थे। हम सिर्फ एक एक्सोन टर्मिनल को देख लेते हैं, और एक्सोन टर्मिनल पे क्या लगे हुए थे, साइनेप्टिक नोब लगे हुए थे। ठीक है, अब साइनेप्टिक नोब की मैंने बता दी थी कि साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल होंगे और उसके अंदर क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। मतलब क्या है, साइनेप्टिक नोब में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो हम इसे देखेंगे, ये बाकी मसल्स के साथ भी कनेक्टेड होगा, ये बाकी मसल के साथ कनेक्टेड होगा, हम सिर्फ इससे देख रहे हैं। अब देखो यहां पे अपनी क्या है, मसल है, यहां पे क्या है, अपनी मसल है, और यहां पे अपना किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है। यहां पे अपना नर्व वाला पार्ट है, यहां मसल वाला पार्ट है, तो जहां मिल रहे हैं यानी जहां पे जंक्शन बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाएगा, ठीक है, समझो। यहां अपना नर्व वाला पार्ट आ गया ना, नर्वस सिस्टम वाला नर्व वाला पार्ट है ना, यहां पे नर्व वाला पार्ट आ चुका है, ये किससे मिल रहा है, किसे ये मेल जोल बिठा रहा है, मसल के साथ, और दोनों का जंक्शन यहां पे बन रहा है, उसको बोल देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देंगे, या इसी का दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, है ना। अब
होता क्या है बेसिकली, एक रफ डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि ये ब्रेन है, ये इसको बोलेगा ऐसे सिग्नल भेजेगा, ऐसे सिग्नल भेजेगा, और ये सिग्नल यहाँ पे आएगा कि भाई पढ़ाई करनी है, नीट आ रहा है तो पढ़ ले। तो इसने क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पे है, रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे, कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो मतलब एक तरीके से मसल को जो सिग्नल जाएगा कि भाई मूवमेंट कर लो, हाथ पैर हिला लो, पढ़ लो, तो ये क्या है अपना हाथ हिलने लगेगा ना। अब देखो ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है ना, इसको एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं कि कैसे डायग्राम दिया हुआ है। देखो ये वही बातें चल रही हैं कि ये क्या था अपना, यहाँ पे एक्सोन खत्म हुआ था, फिर क्या आया था अपना एक्सोन टर्मिनल आया था। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये क्या था एक्सोन टर्मिनल आया था, फिर साइनेप्टिक नोब आई थी। एक बार फिर से आते हैं अपने डायग्राम पे, ये क्या आया था एक्सोन टर्मिनल आया था, फिर क्या आई थी साइनेप्टिक नोब आई थी। ये पूरी क्या है साइनेप्टिक नोब है, इतनी बातें क्लियर में समझ में आ रही है, ये क्या है पूरी साइनेप्टिक अपनी नोब है। अब हमने बात की थी, कि साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। साइनेप्टिकल वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। तो देखो साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। ये वाले क्या है साइनेप्टिक वेसिकल है, ये वाले क्या है साइनेप्टिक वेसिकल है, और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है, ये देखो ये क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये सारा क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, अब होगा क्या, इधर से उसने शातिर दिमाग ने बोला इधर से कि भाई हाथ को हिला लीजिए, ये अपनी क्या है ये मसल वाला पोर्शन है, ये क्या है अपना ये मसल वाला पोर्शन है, मसल वाला पोर्शन है, मसल अपनी हिलने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे इनका जंक्शन बन रहा है। अब देखो चीजों को यहाँ पे पकड़ना कैसे है, देखो ये वाला अपना क्या है नर्व वाला पोर्शन है, ये वाला नर्व वाला पोर्शन है, और ये वाला क्या है मसल वाला पोर्शन है। ठीक है, अब नर्व वाले पोर्शन और मसल वाले पोर्शन के बीच क्या बन रहा है, ये गैप बन रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ये देखो ये बीच में क्या बन रहा है, ये गैप बन रहा है, दोनों के बीच में गैप बन रहा है, और इस गैप को क्या बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले पहले जो मेम्ब्रेन आएगी यानी नर्व वाली आएगी उसको बोल देंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, इससे पहले जो आई प्री साइनेप्टिक, और इसके बाद में जो आई यानी मसल वाली उसको क्या बोल देंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इस गैप से पहले आई, पोस्ट यानी बाद में आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे क्या लगे हुए हैं रिसेप्टर लगे हुए हैं, यहां पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है इसके लिए। ठीक है, अब यहां से नर्व इंपल्स आई, है ना, स्टिमुलस हुआ, नर्व इंपल्स आई, हमने की थी ना नर्व इंपल्स में कंडक्शन कैसे होता है, जो सोडियम पोटेशियम वाला देखा था। ठीक है, तो यहां से आई आई आई, तो क्या होगा ये साइनेप्टिक वेसिकल से क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। अब यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के क्या है रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो इनके साथ ये, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे, अपने रिसेप्टर के साथ अब बाइंड कर जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे सितारे लगा देता हूँ, आपको भी पता है टॉपिक बहुत जरूरी है, इसीलिए ब्रेन को पढ़ेंगे पूरा ब्रेन खोल के, शायरी देख रहे हो, ब्रेन को पढ़ेंगे पूरा ब्रेन खोल के। एक अर्ज किया है, एक शायरी सुनाता हूँ आपको, अभी अभी बनाई है, कि जो मुझे छोड़ कर चले गए थे उनसे खफा खफा सा रहता हूँ, वो बात अलग है कि खुद पे ही आजकल फिदा फिदा सा रहता हूँ। वाह 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 वाह। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना ब्रेन, दिमाग पढ़ते हैं। देखो अब ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या क्या, फोर ब्रेन यानी आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन यानी बीच वाला ब्रेन, हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम आता है, और क्या आता है डाइंसीफेलोन आता है, और डाइंसीफेलोन में क्या क्या आएगा, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये वाला लॉजिक मैंने वहां भी बताया था। देखो ये अपने पास थैलेमस है, तो थैलेमस के ऊपर वाली स्ट्रक्चर एपी यानी ऊपर वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी एपिथैलेमस हो जाएगी, और थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो यानी हाइपो यानी नीचे यानी हाइपोथैलेमस वो हो जाएगी। और क्या इसमें होता है, ओल्फैक्टरी लोब, है ना, इसमें क्या होता है ओल्फैक्टरी लोब। एक बार फिर से करते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, एक हुआ अपना सेरिब्रम हुआ, दूसरा कौन सा हुआ डाइंसीफेलोन हुआ, और डाइंसीफेलोन में ही क्या क्या होता है एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और तीसरी चीज क्या है ओल्फैक्टरी लोब। एक दो तीन बात खत्म है। मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होती है क्या सेरिब्रल एक्विडक्ट और दूसरी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, यहीं पे मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि सेरिब्रल एक्विडक्ट, देखो डक्ट यानी ये एक कैनाल होती है, ये एक कैनाल होती है जो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। मैं रफ डायग्राम जानबूझ के बताता हूं ताकि जो अपनी एनसीईआरटी की लाइंस है वो अपने को समझ में आ जाए। देखो अपने को पीएचडी तो यहां पे करनी नहीं है, तो एनसीईआरटी को ही
समझना है ना, और जो चीज ना समझ में आए उसको रफ डायग्राम बना के सीधे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट है, एक कैनाल है जो कि मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। बात अपने को पकड़ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना होते हैं। अब क्वाड्री जो वर्ड होता है ना, क्वाड्री वर्ड होता है चार के लिए, होता है फोर के लिए। तो क्या है मिड ब्रेन में क्या होते हैं, चार क्या होते हैं, राउंड, चार राउंड राउंड क्या होते हैं, लोब प्रेजेंट होते हैं, जिनको कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना बोला जाता है मिड ब्रेन में, इससे अलग बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हाइंड ब्रेन में अपने पास क्या क्या होता है, PCM, PCM की दवाई तो आपने सबने ली होगी। तो इसमें क्या होता है, पी सी और एम, यानी पॉन्स सेरिबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम क्या होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं। तो मिड ब्रेन प्लस क्या है, पॉन्स और क्या है, मेड्यूला। ये है अपनी ब्रेन स्टेम, यानी क्या क्या बोला, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला, ये अपने क्या बना देंगे, अब ब्रेन स्टेम बना देंगे। बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मिनाइंजिस। देखो इसको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आउटर कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, मिडल कौन सी, अरेक्नोइड, इनर कौन सी होती है, पायामेटर होती है। अब देखो बचपन में वो खेलते थे ना, छुपम छुपाई खेलते थे बचपन में, तो धप्पा करते थे, धप्पा यानी DAP है ना, धप्पा करते थे। अब किसी को भी अगर धप्पा करना है तो उसके बॉडी के अंदर से तो आप करोगे नहीं है ना, उसकी बॉडी के बाहर से आउटसाइड से करोगे। तो आउटर कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर हो जाएगी, मिडल ऑटोमेटिकली अरेक्नोइड मैटर, और इनर कौन सी हो जाएगी, पायामेटर हो जाएगी। बात खत्म है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इस वाले पॉइंट से लेके डिचकुम और कहां तक है, डिचकुम अपना यहां तक, डिचकुम है अपना यहां का, यहां देखो यहां से लेके यहां तक ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं आपको रफ डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगा। देखो मेरे को रफ डायग्राम, अगर आपको जल्दी कोई चीज याद करनी है ना तो रफ डायग्राम सबसे बेहतरीन चीज होते हैं, तो रफ डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब देखो अब मैं आपके सामने रफ डायग्राम्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ रफ डायग्राम्स बनाने जा रहा हूँ, और उनसे क्या होगा आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर होंगी। ठीक है, देखो सेरिब्रम को हम क्या करते हैं, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। एक अपना हेमिस्फेयर ये वाला हो जाएगा और एक अपना हेमिस्फेयर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा, ये वाला हेमी स्फेयर हो गया, एक ये वाला हेमी स्फेयर हो गया। ये पूरा क्या है, अपना सेरिब्रम है। पहली बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक अपने को क्या है, ये लाइन सी भी दिख रही है जो दो हेमी स्फेयर को डिवाइड कर रही है। पहली बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों हेमी स्फेयर को आपस में एक नर्व ट्रैक होता है, ठीक है, ट्रैक ऑफ नर्व होता है जो आपस में जोड़ता है इन दोनों हेमी स्फेयर को, और इसका नाम क्या दे दिया जाता है, कॉर्पस। इसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। ये बात यहां से अपने को रफ डायग्राम से क्लियर हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं जो एक और रफ डायग्राम से अपने को क्लियर होगी। देखो क्या होता है, सेरिब्रम के बाहर क्या होती है, सेल्स की लेयर होती है। सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ये सेल्स की लेयर मैंने बना दिया, और इस सेल्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेल की लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, ग्रे मैटर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रफ डायग्राम से कितनी सारी चीजें यहां पे अपनी क्लियर हो रही है। अब देखो एनसीईआरटी की एक और लाइन है, ठीक है, और उसकी कंफ्यूजन निकालने के लिए यहीं पे हम एक और रफ डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये अपने पास थैलेमस है, ये अपने पास मैंने ब्लू कलर का क्या बना दिया, थैलेमस बना दिया। अब एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये रेड कलर वाला अपना सेरिब्रम हो गया। तो क्या बोला गया है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। तो ये लाइन भी यहां से क्लियर होगी। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइन यहां से क्लियर हो रही है अपनी, कौन सी, हेमिस्फीयर वाली क्लियर हुई ना, कौन सा है, कॉर्पस कैलोसम वाला अपना यहां पे क्लियर हुआ, और क्या है, ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ, और क्या है, थैलेमस वाला पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था, हम इस वाले ढिचकुम से लेके इस वाले ढिचकुम तक क्या है, रफ डायग्राम से अपना सब कुछ समझ चुके हैं। देखो क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड होते हैं, कॉर्पस कैलोसम हमने देख लिया, और क्या है, हमने क्या देख लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने देख लिया था, और क्या है, ग्रे मैटर देख लिया था, जो किसको बोला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपना डिचकुम से आगे बात करते हैं। ठीक है, डिचकुम से आगे बात करते हैं। देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास है ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो, जो सामने लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, पर जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास क्या होते हैं, एसोसिएशन एरिया। अब ये एसोसिएशन एरिया ना तो क्लियरली सेंसरी है, ना
ना ही क्लियरली मोटर है, ना तो क्लियरली सेंसरी है, ना ही क्लियरली मोटर है। अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है। तो एसोसिएशन एरिया के फंक्शंस की बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि इनके फंक्शन क्या होंगे, इंटर सेंसरी एसोसिएशन और क्या है मेमोरी में और कम्युनिकेशन में, खत्म है। ठीक है, ये सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर थैलेमस, ये मैंने बताया था ना कि ये अपना थैलेमस है और सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, ये रफ डायग्राम से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम आएगा, इस पे आप लगा लीजिए 5, 10, 15, 20 सितारे लगा लीजिए कि लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम इसको कौन कौन बनाता है। इसको तीन चीजें बनाती हैं, इसको क्या है तीन चीजें बनाती हैं, कौन से पहली होगी इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पहली चीज हो गई, दूसरा क्या हो गया एमिगडला हो गया, और तीसरा क्या हो गया हिप्पोकैम्पस हो गया। हमने अभी अभी क्या देखा कि लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम को कौन कौन बनाता है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पहली चीज, दूसरी क्या है एमिगडला, प्लस तीसरी क्या है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि ये लिम्बिक लोब का या लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि अलोंग विद हाइपोथैलेमस, यानी क्या लिखा हुआ है कि लिम्बिक लोब जो होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ साथ क्या कंट्रोल करता है ना, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर की रेगुलेशन करता है, इमोशनल रिएक्शन है ना, एक्साइटमेंट है ना, किसी चीज के लिए हमें एक्साइटमेंट हो रही है, प्लेजर, प्लेजर वाली फीलिंग आ रही है, रेज, रेज शायद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बदला, बदला लेना शायद वही होता होगा, फियर यानी डर लगना, मोटिवेशन तो आपको पता ही है, कुछ इस तरीके के बिहेवियर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सुपर हिट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस, देखो ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे आप 15-20 सितारे लगा सकते हो कि हाइपोथैलेमस, अकेले हाइपोथैलेमस का फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या है सबसे सुपर हिट, क्या है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और क्या है अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, मतलब भूख लगना, प्यास लगना उस सब में, है ना, कि ऐसा होता है ना कई बार कि यार पानी मिल जाए तो 2-3 लीटर पी जाएंगे पर पिया नहीं जाता उतना, और भूख में भी ऐसा होता है कि यार इतनी भूख लगी है कि है ना 2-3 थाली है सीधा चटकार देंगे, है ना, इस तरीके की कंडीशन। सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में हम कर चुके हैं, यहां पे है ना कर चुके हैं ऑलरेडी सेरिब्रल एक्विडक्ट, और कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री बताया था ना, चार होते हैं, चार लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राउंड लोब्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे, मिड ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पोन्स की बात करेंगे और सेरिब्रम की इधर अब बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, मेड्यूला की बात करेंगे, और ये अपना क्या था, ये अपना क्या था हाइंड ब्रेन था, हमने किया था ना हाइंड ब्रेन क्या था PCM, ये था अपना हाइंड ब्रेन PCM। ठीक है, अब पोन्स के बारे में क्या याद रखना है, पोन्स के बारे में क्या याद रखना है, कंजिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये लाइन वैसे तो आप सोचोगे कि इस लाइन में से क्या ही है, कुछ नहीं है, पर यहां से ना हर चीज में ऐसे देखा करो कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहां पे इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट जो वर्ड है डायरेक्ट यहां से ये लाइन उठ के आ जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा सेरिबेलम है, पोन्स है या मेडुला है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहां भी ऐसा कुछ आ जाए कि जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो इंटरकनेक्ट करती है, तो पोन्स आंसर जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम की बात करें जो इसमें हिट पॉइंट है, हिट पॉइंट है वो क्या है, इसका जो सरफेस है वो कन्वोल्यूटेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन जो है वो आके जुड़ सके। ठीक है, क्या है इसका जो सरफेस होता है वो कन्वोल्यूटेड होता है कि एडिशनल स्पेस मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन के लिए। ठीक है, मान लो कोई सरफेस मान लो ऐसे है फ्लैट है ना, और एक सरफेस मान लो ऐसे ऐसे है, एक सरफेस ऐसे ऐसे है, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा जगह बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला की बात करें तो मेडुला के यहां पे आप है ना 100 सितारे, 200 सितारे, 300 सितारे लगा लो, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे 300 सितारे लगा लो, क्योंकि रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब भी मेडुला आता है। ठीक है, हमने कार्डियोवैस्कुलर अपना बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन पढ़ा था तब भी मेडुला आता है। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हम वोमिटिंग पढ़ते हैं तब भी मेडुला आता है, तो रेस्पिरेशन, गैस्ट्रोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन सब में क्या है, सब में कहां पे, किस में सेंटर होता है, मेडुला के अंदर इनका सेंटर होता है। मैंने फिर से बोला है यहां पे आपको एटलीस्ट 200 सितारे लगाने पड़ेंगे। अब ब्रेन स्टेम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कौन-कौन बनाता है, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, सेरिबेलम यहां पे नहीं है, यहां मिड ब्रेन है। सिंपली करना क्या है, हाइंड ब्रेन जो होता है उससे सेरिबेलम को बाहर करके मिड ब्रेन को जोड़ देना है, वो बन जाएगी अपनी ब्रेन स्टेम बन जाएगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, है ना। मान लो आप यहाँ पे हमेशा की तरह आप यहाँ पे पड़े हुए हो, जैसे कि आप पूरा दिन पड़े रहते हो, देखो बेड पे लिटा देते हैं नहीं तो आप बुरा मान जाओगे, आप अपने बेड पे पड़े हुए हो। ठीक है, और हमेशा की तरह आपकी पानी की बोतल जो है वो थोड़ी दूर रखी है, पानी की बोतल जो है वो थोड़ी दूर रखी है ना। अब पड़े पड़े इस पानी की बोतल को देख रहे हो और सोच रहे हो कि यार मैं उठ के जाऊं कि नहीं,
जाऊं, है ना। अब उठ के जाने में अपनी कौन काम करेगी, है ना, अपनी पैरों की मसल, या फिर थोड़ा हाथ भी लाओगे, हाथों की मसल, मसल काम करेगी, ठीक है। तो आपका ब्रेन जो है वो बैठा बैठा आराम से सोच रहा है कि यार मसल्स की मूवमेंट कराऊं या नहीं कराऊं, है ना। आप सोच समझ के सारी चीजें कर रहे हो, फिर 1-2 घंटे बाद शायद आप ये पानी लेने उठ जाओ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, नॉर्मल सा है कि हमने सोच समझ के किया है कि मसल की मूवमेंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप यहां पे पड़े हुए हो और मैं यहां से आया चुपके से आया और आपके हाथ पे कोई गरम गरम चीज, है ना, एकदम गरम चीज आपके हाथ पे मैंने लगा दी, तो आपको आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप एकदम से अपना हाथ ऑटोमेटिकली उठा लोगे, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसने मेरे हाथ पे कुछ गरम चीज लगाई है तो मेरे को हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इतना समय नहीं होता सोचने का, आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। तो इसी टाइप के क्या बोलते हैं, है ना, इसी टाइप के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, यानी क्विक रिस्पॉन्स, इनवॉलंटरी, है ना, जो हमने सोच समझ के नहीं किया, समझ गए, यही होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। अब रिफ्लेक्स के बारे में ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये वही चीज है, नी जर्क ये एक्सपेरिमेंट होता है, नी जर्क इसमें क्या है, घुटने पे क्या है, क्या हथौड़ा सा मार के देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके का, कितना क्विक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये है अपने अफरेंट पाथवे, अफरेंट तो हम कर चुके थे, क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, यानी क्या है, ये सिग्नल सीएनएस की तरफ लेके जाएंगे, और ये क्या है, इफरेंट, यानी क्या है, मोटर है, ये सिग्नल लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या है, मोटर एंड प्लेट है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, वो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे मसल होती है, तो मसल से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स, तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा कि सेंस ऑर्गन अपनी बॉडी बॉडी में कौन से होते हैं। आप सबको पता है कौन सी, आंखें हमारी, कान हमारे, नोज यानी नाक अपना, टंग यानी जीभ अपनी, स्किन, है ना, बोलते हैं ना, पांच इंद्रियां होती है, पांच इंद्रियां कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ऐसे बोलते थे ना जब हिंदी में पढ़ते थे, तो यही वही सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें इसकी स्मेल और टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्मेल के लिए होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट के लिए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आपको याद रखना है, देखो ऑल्फैक्टरी, और जहां फैक्ट्री होती है वहां से क्या आती है, स्मेल आती है ना, फैक्ट्री में काम चलता है तो गंदी स्मेल आती है, तो फैक्ट्री से आती है स्मेल, और गस्टेटरी से याद आना चाहिए गेस्ट, है ना, गस्टेटरी से याद आना चाहिए गेस्ट। तो गेस्ट जब घर में आते हैं तो टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी अपनी रिमूव हो गई। अब अपने को क्या पढ़ना है, आई पढ़नी है और ईयर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आई के बारे में, सबसे पहले हम आई के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आई के बारे में ये आपके सामने जो भी लिखा हुआ दिखेगा ना, इसको मैं सिर्फ इस डायग्राम से उड़वा दूंगा आपका, बहुत मजा आ जाएगा। पर एक ही विनती है आपसे, एक ही गुजारिश है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, तीसरी बार फिर से बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ याद करवा के भेजूंगा, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में फिर से वीडियो देख रहे हो या फिर से पढ़ रहे हो, नहीं, यहीं पर याद करवा के भेजूंगा, है ना। और मन करे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना क्या, आई, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है आई वाला, ठीक है। देखो आई में क्या होती है, अपनी तीन लेयर होती हैं, आई की अपनी तीन लेयर होती हैं, जिसमें एक होगी आउटर होगी, एक होगी मिडल होगी, एक होगी इनर होगी, ठीक है। तो आई की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, मिडल जो लेयर होती है उसको कोरोइड बोलते हैं, और इनर लेयर को रेटिना बोलते हैं। इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी है। अब आपको बोलना चाहिए कि तूने ये तीन लेयर तो बता दी, पर ये तीन लेयर इस डायग्राम में कहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा की, सिर्फ स्क्लेरा की बात करने जा रहे हैं। देखो ये अपनी स्क्लेरा है, ये सबसे आउटर जो लेयर है ये अपनी स्क्लेरा है, सबसे आउटर जो लेयर है ये अपनी स्क्लेरा है, जो रेड कलर में धम 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 करती हुई जा रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे बॉडी का ये वाला है वो एंटीरियर साइड है, बॉडी का ये वाला पोस्टीरियर साइड है। अब ये कैसे कर रहे हैं ना, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकती है यार, बच्चे हैं तो हो सकती है कंफ्यूजन भी। सिंपल सी बात क्या है, A4 एंटीरियर, A4 आगे वाली साइड, मतलब ये बॉडी की आगे वाली साइड है, ये बॉडी की पीछे वाली साइड है, बात यहां पे खत्म हो चुकी है, ठीक है, ये भी कंफ्यूजन भी दूर है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने ये एंटीरियर पोस्टीरियर आपको क्यों बताया, ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना, स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये ब्लू कलर में मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, देखो ये बाहर सा निकला हुआ थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं,
ठीक है, स्क्लेरा के बारे में इससे फालतू जानकारी आपको नहीं चाहिए होगी। स्क्लेरा के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत लिखा होगा तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या है, मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एंटीरियर पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं। इससे फालतू कुछ जानकारी स्क्लेरा में अपने को नहीं लेनी है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, तो स्क्लेरा डन है। अब स्क्लेरा को यहाँ से उड़ा देते हैं, स्क्लेरा को यहाँ से उड़ा देते हैं ताकि अपनी खिचड़ी ना बने, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी मिडल लेयर यानी कोरोइड के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोइड बोले तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, देखो ये मिडल लेयर है ना, स्क्लेरा के बाद ये वाली मिडल लेयर, ये वाले, ठीक है। अब कोरोइड के बारे में जो लिखा हुआ अपने को याद करना है, वो क्या याद करना है कि ये ब्लूइश दिखती है, ये कलर में ब्लूइश दिखती है। अब ब्लूइश क्या है, क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसमें मैनी बहुत सारी इसमें अब ब्लड वेसल होती है, ये तो हो गया रटा रटाया ज्ञान। अब इसमें कोरोइड में जो मेन ज्ञान है ना उसको देख लो, मेन ज्ञान है जो इसको देख लो, देखो यहां से भी ये आ रही है अपनी, क्या आ रही है, कोरोइड आ रही है, यहाँ से भी कोरोइड आ रही है, ठीक है। अब क्या है, कोरोइड यहाँ पर आके क्या हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है, देखो ये थिक हो चुकी है, कोरोइड यहाँ पर आगे की साइड आके थोड़ी सी थिक मोटी मोटी सी हो जाती है। अब ये जो थिक हो चुकी है, इस थिक को क्या बोलते हैं, इस थिक को देख लो आप, यहाँ पे ऑटोमेटिक लेवलिंग करनी ही नहीं पड़ रही है, सिलियरी बॉडी इसको बोलते हैं। कोरोइड आगे आके थिक हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी बोलते हैं, सिलियरी बॉडी, ठीक है। वैसे टेक्निकली ये भी सिलियरी ही बॉडी में आ जाएगा, सिलियरी ही बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि लेंस को हेल्ड किया ना इसने, लेंस को पकड़ा हुआ है, तो ये भी सिलियरी में आएगा, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी क्या है, सिलियरी बॉडी क्या कर रही है, ये जो अपना लेंस है, ये जो अपना लेंस है, इसको इसने क्या हुआ है, एक तरीके से होल्ड किया हुआ है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है, ये बात भी अपनी एनसीईआरटी की क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये आयरिस, आयरिस कैसे बनेगी, देखो सिलियरी बॉडी के आगे ही ये देखो आयरिस बन रही है अपनी, ये जो झाड़ू सा बन रहा है, ये जो झाड़ू सा बन रहा है, ये क्या है, सिलियर बॉडी के आगे ही ये भी मसल होती है, मसल होती है, ठीक है। ये क्या है, ये अपनी आयरिस है, ठीक है। अब जो ये पोर्शन बच गया ना, देखो ये अपना क्या है, लेंस को थोड़े अलग कलर से करते हैं आयरिस और लेंस में, ताकि भड़बड़ भड़बड़ ना हो जाए। ये अपना लेंस है और ये ब्लैक में क्या है, ब्लैक में क्या है, आयरिस है, ब्लैक में क्या है, आयरिस है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आयरिस के यहाँ पे बीच में बचा जो लेंस डायरेक्ट अपने को दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जितनी लाइट होगी ना, जितनी लाइट, जैसे कि बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत कम लाइट है, उसके हिसाब से ये जो आयरिस है ना, मैंने बोला कि मसल है, तो मसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है, तो जितनी लाइट आंखों में अपने को आने देनी है उस हिसाब से ये वो होते रहते हैं ना, जैसे मान लो यहां तक भी आ सकते हैं और ये पीछे तक, यहां तक भी जा सकते हैं ना, ये प्यूपिल को क्या करेंगे, छोटा बड़ा करते रहेंगे, है ना, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये था अपना, ये था अपना कोरोइड, कोरोइड के बारे में इससे ज्यादा जानकारी अपने को नहीं चाहिए है, ठीक है। अब आती है सबसे जरूरी वाली, अब आती है सबसे जरूरी वाली जो असली अपने देखने में काम आएगी, है ना, वो क्या है, रेटिना। इनर लेयर कौन सी है, रेटिना, ये वाली है इनर लेयर रेटिना, ये वाली है इनर लेयर रेटिना, ठीक है। अब रेटिना को समझाने के लिए वैसे यहां बता देता हूं रेटिना में क्या क्या होता है, इसमें तीन लेयर होती है सेल्स की, गैंग्लियोनिक बायपोलर फोटोरिसेप्टर, ठीक है। अब रेटिना को समझाने के लिए हमें दूसरी धरती पे जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल सफेद धरती होती है ना, सफेद धरती पे चलते हैं, दो मिनट फिर से यहीं पे आ जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी सफेद धरती पर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैक्सिमम गड़बड़ी होती है, यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे अपने को कन्फ्यूजन रहती है, कौन सी सेल बाहर थी, कौन सी सेल अंदर थी, है ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन, है ना, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ गया, लाइट कैसे कैसे गई, वही सबसे बड़ी गड़बड़ी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कृपया करके एक्स्ट्रा ध्यान चाहूंगा। देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ये मान लो अपनी आई की आउटर लेयर है, जिसको हमने स्क्लेरा बोला था, आउटर लेयर है ना, यहां पे मैं लेंस बना लेता हूं, यहां पे अपना लेंस था, यहां पे अपना लेंस था, ठीक है। ये अपनी आई की आउटर लेयर है, और ये क्या थी, आई की मिडल लेयर थी, जिसको हमने कोरोइड बोला था, ये आई की मिडल लेयर थी जिसको हमने कोरोइड बोला था, और इनर लेयर, आई की इनर लेयर को हमने क्या बोला था, रेटिना बोला था। ये ब्लैक कलर वाली क्या है, अपनी रेटिना है, ब्लू कलर वाली अपनी कोरोइड है, और रेड कलर वाली अपनी स्क्लेरा है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, लाइट कहाँ से आएगी, ये लेंस है, तो लाइट यहाँ से एंट्री लेगी, यहाँ से एंट्री लेगी, और लाइट कहाँ पड़ेगी, अपनी रेटिना के ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना रेटिना का, ये जो पोर्शन है रेटिना का, अरे पकड़ में आ जा, रेटिना का ये जो पोर्शन है,
मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ कि लाइट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, समझ रहे हो? रेटिना का मान ले ये ऐसे है, तो इस पोर्शन को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम जूम जूम, ठीक है? देखो फिर से वही चीज़ें हम करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, देखो क्लियर विजन मिलना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये हमने क्या बना ली, अपनी स्क्लेरा बना ली, ये हमने क्या बना ली फिर, अपनी कोरोइड बना ली है। फिर मैंने क्या करा, इस पोर्शन को जूम करने के लिए मैं इस लेयर को थोड़ा सा ऐसे मोटे तरीके से बना देता हूँ, ठीक है? मैंने ये क्या, कौन सा पोर्शन बना दिया है, मैंने ये वाला पोर्शन को थोड़ा मोटा करके आपको दिखाया है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पूरी अपनी रेटिना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपनी रेटिना ही है, रेटिना ही है, बस हमने जूम किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी तीन टाइप वो देखते हैं। पहली सेल होंगी कौन सी, गैंग्लियोनिक सेल्स, पहली सेल होंगी गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है? गैंग्लियोनिक सेल की लेयर हुई पहली लेयर। दूसरी लेयर आएगी कौन सी सेल की, बाईपोलर सेल की, दूसरी लेयर आएगी बाईपोलर सेल्स की। और थर्ड लेयर जो आएगी सबसे ज़रूरी जो है वो है फोटो रिसेप्टर सेल। वैसे तो सारी ही ज़रूरी हैं, एक के गायब होते ही गड़बड़ी है, पर सबसे ज़रूरी यहाँ पे अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है? फोटो रिसेप्टर सेल में क्या क्या होता है, रोड्स कौन से, वो हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे बस इतना समझो, ठीक है? तो कैसे लेयर हैं, अब देखो ये पूरी यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये अपनी पूरी आई थी है ना, ये पूरी अपनी आँख थी। अब देखो आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन तीनों में से सबसे अंदर कौन सी है, यानी इनसाइड कौन सी, और सबसे बाहर यानी आउटसाइड कौन है। तो ध्यान दो, ये जो हमने है ना ये जूम किया है, वैसे तो सिर्फ हम इतनी लेयर में पढ़ रहे हैं, इतनी लेयर को ही हम जूम करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे अंदर कौन सी मानी जाएगी, गैंग्लियोनिक सेल सबसे अंदर मानी जाएगी और फोटोरिसेप्टर सेल सबसे बाहर वाली साइड मानी जाएगी, ये बात भी क्लियर है, ठीक है? अब देखो लाइट जो है वो कहां से आएगी, है ना, यहां पे अपना लेंस रहेगा, लाइट आएगी यहां से, यहां से, यहां से लाइट आ चुकी है, ठीक है? अब लाइट कहां पड़ेगी, यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। हां, अपने को क्या लगता है कि फोटोरिसेप्टर यानी जो लाइट को रिसीव करेगी तो सबसे पहले लाइट इस पे ही पड़ती होगी, और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। लाइट सबसे पहले पड़ेगी कहां, गैंग्लियोनिक सेल पे पड़ेगी, बट इसमें लाइट के लिए, लाइट को रिसीव करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लाइट कहां पहुंची, बाइपोलर सेल्स के पास पहुंची, तो इनके पास भी लाइट के लिए कुछ भी, कुछ ऐसा खास रिसीव करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर लाइट कहां पहुंचेगी, फोटो रिसेप्टर के पास, है ना, फोटो रिसेप्टर सेल के पास, और इनका तो नाम ही क्या है, फोटो यानी लाइट को रिसेप्टर यानी रिसीव करने वाले, तो इन पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और वो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है तो एक्शन पोटेंशियल अब कहां ट्रांसफर होगा, बायपोलर सेल के पास ट्रांसफर होगा, और बायपोलर सेल से एक्शन पोटेंशियल कहां ट्रांसफर होगा, गैंग्लियोनिक सेल के पास ट्रांसफर होगा। अब गैंग्लियोनिक सेल है ना, जो गैंग्लियोनिक सेल उनके एक्सोन जो मिलेंगे ना, ये देखो मान लो बहुत सारी गैंग्लियोनिक सेल के जो एक्सोन है वो मिलके क्या बना देते हैं, वो मिलके बना देते हैं ऑप्टिक नर्व, वो बना देते हैं ऑप्टिक नर्व बना देते हैं, ये बन गई ऑप्टिक नर्व, ठीक है? अब क्या है, सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व पे जाएगा, ठीक है? अब क्या है, देखो समझ रहे हो ना, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे पहुंचा, फोटो रिसेप्टर सेल से बाइपोलर सेल पे पहुंचा, फिर यहाँ से गैंग्लियोनिक सेल पे, फिर गैंग्लियोनिक सेल के क्या है, ये ऑप्टिक नर्व बना दी है इन्होंने। अब ऑप्टिक नर्व से ये सिग्नल कहाँ पहुंच जाएगा, देखो ऑप्टिक नर्व, देखो आँख को, आँख से बाहर ही तो निकलेगी इसी भी से बाहर, तो ये सिग्नल अपना चला जाएगा ब्रेन में चला जाएगा, सिग्नल अपना कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होता है ना, याद रखना है, जो लाइट की डायरेक्शन है वो ऐसे है और एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन वो ऐसे है, बिल्कुल सारी कन्फ्यूजन क्लियर है। अब हम चलते हैं दोबारा अपना वहीं पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, कहाँ पे रह गए थे आप, सफ़ेद वाली ज़मीन पे रह गए थे, मैं बहुत देर से यहाँ पे आपका वेट कर रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो ये अपनी क्या है, कॉर्निया है, ये अपना क्या है, लेंस है, और ये क्या है, अपनी रेटिना है, ठीक है? अब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये बन रहा है, ये तालाब बन रहा है, इसको बोलते हैं एक्वियस चैम्बर बोलते हैं, है ना? और लेंस और रेटिना के बीच में ये बड़ा तालाब बन रहा है, इसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं, ये बात भी यहाँ पे क्लियर अपनी हो चुकी है, ठीक है? अब हमें आगे बात करनी पड़ेगी, देखो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये चीज़ें हम कितनी यहाँ पे कर चुके हैं, है ना? लेयर्स ऑफ आई क्या है, कर चुके हैं स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है? सिलियरी बॉडी बिल्कुल कर चुके हैं, आयरिस हम बिल्कुल कर चुके हैं, और विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, है ना, बोलते हैं ना किसी की आंखें
काली है, किसी की ब्राउन है, किसी की नीली है, तो वो आयरिस की वजह से ही होती है। ठीक है, और क्या है, लेंस हम देख चुके हैं, लेंस को कौन होल्ड करता है, सिलियरी बॉडी लिगामेंट्स के थ्रू उसको होल्ड करती है। ठीक है, प्यूपिल हम देख चुके हैं, और क्या है, जो मसल ऑफ आयरिस है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है प्यूपिल का डायमीटर। मैंने बोला था ना, जितनी अपने को चाहिए उतना वो छोटा बड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज हम देख चुके हैं, रेटिना में तीन तीन लेयर होती है सेल्स की। कौन सी हमने डायग्राम में देखी थी, गैंग्लियोनिक सेल्स होती है, बाइपोलर सेल्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है ना, और हमने इनकी क्या देखी थी, अरेंजमेंट भी देखी थी। ब्लाइंड स्पॉट को अभी होल्ड कर दीजिए, फोविया को अभी होल्ड कर दीजिए, एक्वियस चैंबर हम देख चुके हैं, विट्रस चैंबर हम देख चुके हैं। अब अपनी बारी आती है फोटो रिसेप्टर सेल की। फोटो रिसेप्टर सेल कहां पे है, ये है अपनी फोटो रिसेप्टर सेल। मैंने बोला था ना कि फोटो रिसेप्टर जब इन पे लाइट आएगी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और फिर एक्शन पोटेंशियल कैसे जाएगा, इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर कहां, ब्रेन में जाता है अपनी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो फोटो रिसेप्टर सेल को देखना बहुत ही आवश्यक है। देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक होते हैं रोड्स, एक होते हैं कोन्स। एक होते हैं रोड्स, एक होते हैं कोन्स। यहीं पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रात, है ना, रात को, यानी बिना लाइट के, है ना, बिना लाइट के रात में अगर हम देख रहे हैं तो अपने कौन काम मारे हैं, रोड्स काम मारे हैं, और दिन में यानी कलरफुल कलरफुल दुनिया जब हम देखते हैं तो क्या है, अपने कोन्स में, कोन्स अपने काम में आ रहे हैं। ये आ गया अपना डिम लाइट विजन और ये डे लाइट विजन। ठीक है, अब रोड्स में, रोड्स के अंदर क्या सा पिगमेंट होता है, नाम में ही आ रहा है रोड्स, यानी रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, और इनमें आयोडोप्सिन। ठीक है, इनमें क्या होता है, रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, आयोडोप्सिन होता है, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, अब रोडोप्सिन किससे मिलकर बना है, रोडोप्सिन मिलकर बना है ऑप्सिन प्लस रेटिनल। ठीक है, रोडोप्सिन किससे मिलकर बना है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। अब ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, और रेटिनल 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 अल जो होता है किसका होता है, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, तो ये विटामिन ए का कोई एल्डिहाइड है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन यहां पे साफ कर लेता हूं, दोबारा से करते हैं। देखो रोडोप्सिन जो है वो किससे मिलके बना है, ऑप्सिन से प्लस रेटिनल से। ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, और रेटिनल क्या है, एक एल्डिहाइड है। याद रखना है किसका एल्डिहाइड है, विटामिन ए का है। ठीक है, और यहां बात करें कौन की बात करें तो कौन से तीन टाइप की सेल होती है, एक रेड कलर के लिए, है ना, हम लाल कलर देखते हैं, ग्रीन कलर के लिए, एक ब्लू कलर के लिए। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल दूं, इसको मैंने जानबूझ के बार बार बताया है क्योंकि अपना काम में यही आने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ विजन में। ठीक है, अब देखो हम वो बात कर चुके थे, है ना, कि लाइट यहां से आ रही थी और अपने पास पहले क्या थी, गैंग्लियोनिक सेल थी, फिर कौन सी थी, बाइपोलर सेल थी, फिर अपने पास कौन सी थी, फोटो रिसेप्टर सेल थी। ठीक है, और इस पे लाइट आई थी तो लाइट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, फिर इस पे लाइट आई, लाइट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फिर लाइट कहां पहुंचती है, फोटो रिसेप्टर के साथ, फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंचती है। ठीक है, लाइट कहां पहुंच चुकी है, फोटो रिसेप्टर के पास पहुंच चुकी है, और फोटो रिसेप्टर के पास क्या है, रोडोप्सिन है ना, फोटो रिसेप्टर में ही तो है रोड्स, तो इनके पास है रोडोप्सिन। ठीक है, अब लाइट जब रोडोप्सिन के ऊपर पड़ेगी, समझना मेरी भावनाओं को समझना, लाइट जब रोडोप्सिन के ऊपर पड़ेगी तो रोडोप्सिन को लगेगा एक बहुत तगड़ा थप्पड़, तो उस थप्पड़ को लगते ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी रेटिनल में और ऑप्सिन में, है ना, बनी किससे थी, ऑप्सिन और रेटिनल से बनी थी रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन जो है वो टूट जाएगी रेटिनल एंड ऑप्सिन में। ठीक है, अब इनके टूटते ही, है ना, ऑप्सिन बेचारा अकेला हो गया है तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में क्या है, चेंज आ जाएगा। ठीक है, इनके अलग अलग होते ही ऑप्सिन जो है वो बेचारा अकेला हो गया है तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, और उसी की वजह से क्या है, रेटिना के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। उसी की वजह से क्या होगा, रेटिना के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे है ना, मैंने बोला था ना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो कहां ट्रांसमिट होगा, बायपोलर सेल में, फिर कहां ट्रांसमिट होगा, गैंग्लियोनिक सेल में, और फिर कहां जाएगा वो, ऑप्टिक नर्व में, फिर कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से कहाँ पहुँच जाएगा वो, ब्रेन में पहुँच जाएगा, ब्रेन में, वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखो मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर दीजिए, कौन सी थी, एक ब्लाइंड स्पॉट थी, एक फोविया थी। देखो इसका नाम में ही क्या है, ब्लाइंड, ब्लाइंड यहाँ ब्लाइंड यानी यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल अब्सेंट होती है, मतलब यहाँ पे रोड भी अब्सेंट है, यहाँ पे कौन भी अब्सेंट है, ब्लाइंड यानी कुछ देख ही नहीं पाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, रोड भी अब्सेंट है, कौन भी अब्सेंट है, फोटो रिसेप्टर सेल ही अब्सेंट है, तो क्या ही ये देख पाएगा, इसीलिए ब्लाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोविया
फोबिया की बात करते हैं, फोबिया के बारे में पहली कन्फ्यूजन तो यहीं से आप रिमूव कर लो कि फोबिया में ओनली एंड ओनली कॉन्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या है, रोड्स इसमें अब्सेंट है, इसमें रोड भी गए कॉन भी गए, बट इसमें क्या है ओनली ओनली क्या है कॉन्स जो हैं वो डेंसली पैक्ड हैं, रोड्स इसमें अब्सेंट हैं। ठीक है, अब देखो एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं ये वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें दोनों ही अब्सेंट है तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और इसमें कॉन्स हैं सिर्फ वो भी डेंसली पैक्ड हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि विजुअल एक्टिविटी जो होगी ना वो रिजोल्यूशन होगा वो इसमें हाइएस्ट होगा, हाइएस्ट। ये अंधा है, ब्लाइंड है, और इसमें विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा सबसे हाइएस्ट होगी क्योंकि ओनली कॉन्स वो भी डेंसली पैक्ड है। ये बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं फोविया होता क्या है, मैक्यूला लुटिया क्या होता है। देखो जो ल्यूटिया वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है येलो कलर, है ना, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम, तो ल्यूटिया वर्ड मतलब येलो कलर है, पहली बात तो ये येलो कलर है। और फोविया और इसमें क्या रिश्ता है, एक रफ डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ये मैक्यूला लुटिया है, मान लो ये क्या है, मैक्यूला लुटिया है, ये एक येलो कलर का है, वैसे ब्लैक से बनाया पर ये येलो कलर का है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो इसकी पिट दिखाई दे रही है ना, ये पिट इसका गड्ढा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोविया बोलते हैं, इसको हम फोविया बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये क्या है, जो पिट है ये फोविया है, और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, और कौन सी साइड ऐसे पूछ लिया जाए, तो ये बॉडी की पोस्टीरियर साइड थी, ये एंटीरियर साइड थी, ये पोस्टीरियर साइड दिखाई दे रहे हैं, सिंपल है। अब आई, यहाँ पे आई का काम तमाम हो चुका है, अब हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, ईयर की तरफ चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बारी आती है बॉडी का ऐसा ऑर्गन पढ़ने की जहां पे घुमा के थप्पड़ मारा जाता है, कहां पे, कनपट्टी पे, बोलते हैं ना कनपट्टी पे थप्पड़ एक सेक दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंसानों के कान यानी ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ह्यूमन ईयर को आप क्या करो, तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक होगा एक्सटर्नल ईयर, एक होगा मिडल ईयर, और एक होगा इनर ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आएगा, पिन्ना आएगा, ऑडिटरी मिएटस आएगी, और टिम्पे आएगी, बोलते हैं ना कान का पर्दा, कान का पर्दा हम टिम्पेनम को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है देखो मिडल ईयर में क्या क्या आएंगे, जो कान में हड्डियां होती हैं वो आएंगी, ईयर ओसिकल्स आएंगी, कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर का ही यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, क्योंकि जो है ना ईयर का लेखा जोखा जो है वो ये वाला है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इनर ईयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेबरिंथ होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनर ईयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेबरिंथ होता है। अब लेबरिंथ दो टाइप का हो सकता है, बोनी लेबिरिंथ हो सकता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो इनर ईयर है ना अपना, जो सारा खेल है ना, जो सारा खेल अपने क्वेश्चंस का, कंफ्यूजन का चलेगा वो इनर ईयर पे चलेगा, इसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इनर ईयर के दो फंक्शन हमारे पास होते हैं। देखो जो मैं फ्लो आपको बता रहा हूं ना उसी फ्लो से पकड़ना, मैं जो रफ डायग्राम बताऊंगा उस रफ डायग्राम को देख लेना ना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखो इनर जो ईयर है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो क्या होता है बैलेंसिंग, और दूसरा होता है हियरिंग, है ना। हमें क्या लगता है कि जो अपने का फंक्शन है वो सिर्फ है क्या है, आवाजों को सुनना, बट उसका काम बैलेंसिंग भी होता है। इनर ईयर के दो फंक्शन है, एक बैलेंसिंग एक हियरिंग। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग किसकी हेल्प से होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस की हेल्प से होती है, और हियरिंग जो है वो कोक्लिया की हेल्प से होती है, और इसके बारे में हम एक बार फिर से दोबारा चर्चा करेंगे, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम ये करने वाले हैं, देखो ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ना ये सारा एनसीईआरटी से निकल के आया है कि कहां पे एंडोलिम्फ भरा है, कहां पे पेरिलिम्फ भरा है, अपने को समझ ही नहीं आता है ना। तो जहां कुछ समझ ना आए और अपने को एनसीईआरटी को दिमाग में फिट करना हो तो क्या करिए, रफ डायग्राम का सहारा लीजिए, रफ डायग्राम की मदद लीजिए। तो ये जो सारा पोर्शन है ये आपको करवाने के लिए मैं आपको सिर्फ दो रफ डायग्राम बताऊंगा, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब देखो मैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बनाने जा रहा हूं, ये है मेरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, और उसके बाहर मैं बना देता हूं ये बोनी लेबिरिंथ है, ये है मेरा बोनी लेबिरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये बोनी लेबिरिंथ है। अब देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, वो फिल होता है किसे, एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है, और बोनी लेबिरिंथ किसे, पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे भरा होता है, एंडोलिम्फ से, और बोनी लेबिरिंथ किससे भरा होता है, पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ से। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर बाहर सराउंडेड बाय, है ना, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ, ऑटोमेटिक है, रफ डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्लियर है, ये पहली चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो एक और रफ डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तीन बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से,
तीन बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये वाला बॉक्स अपना बीच में है, तो इसको क्या बोल देंगे, स्केला मीडिया बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, स्केला मीडिया बोल देंगे, और ये बोला होता है अपना स्केला वेस्टिबुलाई, और ये वाला होता है अपना स्केला टिम्पेनी, ठीक है। ये बीच में है यानी इसका मीडिया यानी मीडियम यानी बीच में है, तो ये हो गया स्केला वेस्टिबुलाई होता है, और ये क्या होता है, स्केला टिम्पेनी होता है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसमें पेरिलिम्फ है, किसमें एंडोलिम्फ है ना। अब देखो एंडो है ना, एक होता है अपना क्या पेरिलिम्फ होता है, एक अपना होता है एंडोलिम्फ। अब नाम से आ रहा है एंडो, एंडो यानी वो अंदर वाली साइड होगा, और इन तीनों में अंदर वाली साइड कौन सी है, ये वाली है ना, ये भी बाहर वाली है, ये भी बाहर वाली है, तो यहां होगा एंडोलिम्फ, और इन दोनों में क्या कर दीजिए फिर पेरिलिम्फ कर दीजिए, पेरिलिम्फ कर दीजिए। तीन क्वेश्चन बन चुके हैं यहां पे एनसीईआरटी के, स्केला वेस्टिबुलाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और स्केला टिम्पेनी फिल्ड विद पेरिलिम्फ। और यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो एक और वर्ड सुना है ना आपने, इंग्लिश का वर्ड है और, है ना, जैसे ए और बी या एप्पल और बनाना है ना, तो और को पकड़ना है और ऊपर से लिख देना है और, ऊपर से लिख देना है और, यानी क्या है, यानी क्या है यहाँ पे क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट, स्केला टिम्पेनी एंड्स एट, इससे क्या बना, इससे अपने को क्या याद हुआ कि स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ पे एंड होता है, और ओ यानी ओवल विंडो पे एंड होता है, और स्केला टिम्पेनी कहाँ एंड होता है, कहाँ एंड होता है, राउंड विंडो पे एंड होता है ना। ये छोटे छोटे रफ डायग्राम यार आपको एनसीईआरटी को आपके दिमाग में फिट करके भेज देंगे, है ना, देख लो आप कितनी बातें क्लियर हो रही है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में क्या होता है एंडोलिम्फ, बोनी लेबरिंथ में पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ सराउंडेड बाई पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, स्केला टिम्पानी में पेरिलिम्फ होता है, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ, स्केला वेस्टिबुलाई और एंड्स एट, है ना, ये हमने किया ना अभी और वाली ट्रिक की, ओवल विंडो, स्केला टिम्पानी, एंड्स एट, राउंड विंडो। अब यहाँ पे तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये मैं आपको एनसीईआरटी के इस डायग्राम से खाना चाहूंगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी तक हम कैसे कर रहे थे, कि हमने तीन बॉक्स बनाए थे, इस चीज को समझने के लिए तीन बॉक्स बनाए थे, ये अपना क्या था स्केला वेस्टिबुलाई था, और ये अपना स्केला टिम्पेनी था, और ये क्या था अपना स्केला मीडिया था। और हम क्या बात कर चुके हैं, स्केला वेस्टिबुलाई किसका भरा होगा, पेरिलिम्फ का भरा होगा, और ये बीच में है तो ये एंडोलिम्फ का, और ये भरा होगा अपना ये भी पेरिलिम्फ का, ये बातें हम कर चुके हैं। तो इसी चीज को यहां पे दिखाया गया है ना, ये जो रफ डायग्राम था वही ये है कि ये अपना क्या है, देखो तीन बॉक्स हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, और ये अपना तीन बॉक्स है ना। ऊपर वाला बॉक्स क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई है, और बीच वाला बॉक्स क्या है, स्केला मीडिया है, और नीचे वाला बॉक्स क्या है, स्केला टिम्पेनी है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। कौन सा क्या भरा होगा, देखो इसमें क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा, इसमें क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा, और इसमें भी क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ भरा होगा। इतनी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो अपनी मेम्ब्रेन देखते हैं, मेम्ब्रेन कौन सी है, ये है अपनी रेजनर मेम्ब्रेन, ये है अपनी रेजनर मेम्ब्रेन, और दो जो अपने बहुत काम की मेम्ब्रेन है वो है, एक है ये वाली कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, और एक है ये वाली कौन सी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब देखो अपने को सुनाई कैसे पड़ता है ना, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वो हम समझना चाहते हैं, एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखो ये अपनी बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये अपनी है बेसिलर मेम्ब्रेन है, और यहां पे मैं बना देता हूं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये बना देता हूं मैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना। इसको एक रफ डायग्राम से समझ रहे हैं, देखो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि यहां पे लिम्फ भरा हुआ है, वहां पे लिम्फ भरा हुआ है, हर जगह क्या है, फ्लूड भरा हुआ है, है ना। अब सिंपल सी बात है, मान लो किसी गली मोहल्ले में डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, है ना, तो वो आवाज हमारे कानों में पड़ेगी। अब हमारे कानों में क्या है, फ्लूड भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस फ्लूड में क्या बनेगी, वेव बनेगी। अब वेव आगे बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगी, वेव आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगी, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब अपनी वेव कहां तक पहुंच चुकी है, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच चुकी है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं, हेयर सेल्स लगे होते हैं, ये हेयर सेल्स में, है ना। अब हेयर सेल कहां से आए हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत, ठीक है। ये हेयर सेल लगे हुए, अब देखो वो वेव जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच चुकी है, मतलब जाहिर सी बात है बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट, है ना, ऐसे हलचल दिखाई पड़ेगी, है ना, इसमें क्या होगी, हलचल होगी, इसमें हलचल होगी, तो ये जो हेयर सेल्स हैं वो किसके अगेंस्ट प्रेस हो जाएंगे, ये किसके अगेंस्ट प्रेस हो जाएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये प्रेस हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसके प्रेस होने से क्या होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और यही एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक तरीके से सिग्नल बन जाएगा, और कहां पे, अपने ब्रेन में पहुंच जाएगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब यहां पे इतना तो अपने को समझ में आ गया, पर यहां पे देखो मैंने बोला था इसकी मैं दोबारा से बात करूंगा, है ना, हम ये वाला पोर्शन अपना पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनर ईयर के दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन, है ना, क्या होते हैं दो फंक्शन, एक तो होता है बैलेंसिंग, एक क्या होता है बैलेंसिंग, एक होता है हियरिंग यानी सुनाई देना, है ना, एक बैलेंसिंग एक हियरिंग। अब बैलेंसिंग किसकी हेल्प से होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस की हेल्प से, और हियरिंग कोक्लिया की हेल्प से होती है, और यहां
यहाँ पे जो डायग्राम हमने देखा था, ये कोकलिया का ही डायग्राम देखा था, और हियरिंग कैसे होती है वो भी हम देख चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये वाला पोर्शन अपना देख चुके हैं, बचता है ये वाला कौन सा, वेस्टिबुलर अपरेटस वाला। ठीक है, अब इसमें ये जो चार्ट आपके सामने है ना, ये बहुत बढ़िया चार्ट है, क्योंकि इसमें है ना बहुत अपने को याद भी नहीं होता है, समझ भी नहीं आता है कि ऑटोलिथ ऑर्गन्स है, क्यूल, यूट्रिकल, ये वो है ना। अगर आप ये फ्लो पकड़ लोगे तो कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इससे कवर होगी। देखो हमने पढ़ा जो इनर ईयर है उसमें बैलेंस के लिए क्या चीज होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। ठीक है, अब वेस्टिबुलर अपरेटस में इधर क्या है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, इधर ऑटोलिथ ऑर्गन है, इस बात को समझो। यहां पे बात की गई है डायनेमिक बैलेंस की और स्टेटिक बैलेंस की, है ना। डायनेमिक यानी जब हम हिल डुल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, तब कौन बैलेंस बनाएगा, और स्टेटिक यानी हम एक जगह पर आराम से बैठे हैं तब कौन बैलेंस बनाएगा। ठीक है, तो वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चीजें होती हैं, एक तो डायनेमिक बैलेंस जो बनाती है उसको हमने बोला थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और एक स्टेटिक बैलेंस कौन बनाता है, ऑटोलिथ ऑर्गन बनाता है। ठीक है, अब देखो फ्लो पकड़ लो पूरा, है ना। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्वोलन बेस है ना, स्वोलन यानी स्वेल करा हुआ बेस होता है, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। देखो एम्प्यूला वर्ड का मतलब ही होता है स्वोलन, मोटा थोड़ा। ठीक है, अब एम्प्यूला में क्या होते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस होती है, और क्रिस्टा एम्प्यूलरिस में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल पे रिसेप्टर होते हैं। हेयर सेल मैंने बोला था ना कि कहां पे हेयर सेल, जब हियरिंग में हम देख रहे थे। ठीक है, और इधर बात करें तो ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या होते हैं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल होते हैं, और सेक्यूल एंड यूट्रिकल में रिज होती है, और रिज को क्या बोलते हैं हम, मैक्यूला बोलते हैं। समझ रहे हो पूरा फ्लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है ना। सेक्यूल एंड यूट्रिकल में रिज होते हैं, और रिज में मैक्यूला होती है, और मैक्यूला में हेयर सेल होते हैं, हेयर सेल में रिसेप्टर, अल्टीमेटली हमें हेयर सेल तक ही पहुंचना था। सिंपल है, तो ये चैप्टर भी अपना भाई हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट में, कल बता दूंगा कि कैसे आगे क्या करने वाले हैं, कौन से चैप्टर उस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू।